जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी न्यूज। मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। तमाम राजनीतिक दलों के उम्मीदवार अपने अपने पक्ष में जन समर्थन जुटा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जो सानेजर जी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी हासिल करेंगे। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में किस तरह का जन समर्थन इन्हें मिल रहा है, इसके अलावा किस तरह से मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी का क्या समीकरण है, किस तरह से इनके जीत के समीकरण है, वो तमाम जानकारी इनसे हासिल करेंगे। सबसे पहले तो विधायक जी आपका स्वागत है। भैया सबसे पहले आम मीडिया कर्मियों का स्वागत है, जो भाई इतनी मेहनत करके हमारे पास आए और यहाँ इस जड़बड़ में आपको जो है हमारे से मिलने का, हमें आपको मिलने का सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सानेजर भाई, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है बहुजन समाज पार्टी? जन समर्थन हमें, आप ये कैमरा इधर को घुमा के देख लीजिएगा, आपको पता लग जाए कि हमें जितने भी हमारे अपने वोटर है, वे हमारे वोटर एक मुश्त एक मुट्ठी बंद है और वे किसी भी तरह से किसी के बहकावे में नहीं आनेगे, किसी के कहने में लालच में बिल्कुल किसी तरह नहीं आनेगे और 13 तारीख में वोट करेगा बहुत मजबूती के साथ। आपका अपना वोटर कौन सा? मेरा अपना वोटर है दलित प्लस मुस्लिम प्लस अन्य पिछड़ा, जो हमारे समीकरण के साथ में हमारे कदम से कदम मिला के चलता है, जो हमारी पार्टियों के पदाधिकारी रह लिए और हमारी पार्टियों में पहला काम कर लिए, जो बहुजन समाज पार्टी की विचारधाराओं से खुश है, वो हमारा वोटर है। आपने कहा दलित मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग की बात की, इन्हीं तमाम जातियों की बात, इन्हीं तमाम वर्गों की बात समाजवादी पार्टी भी पीडीए के जरिए कर रही है। वो भी कह रहे हैं कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक उनके साथ है और उन्होंने लोकसभा चुनाव में इसके परिणाम भी दिए हैं, तो बहुजन समाज पार्टी कैसे समझ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी 0% की खाता नहीं खुला। बहुजन समाज पार्टी विचारधाराओं की पार्टी है और बिना किसी झिझक के 2.5 महीने पहले हमारा टिकट हो गया था और हमारा टिकट होने के बाद अब दूसरी पार्टियों ने सिर्फ इस समीकरण को बिगाड़ने के लिए अपने प्रत्याशी भेजे और प्रत्याशी उनको भेजे जिन लोगों के बीजेपी के साथ में बिजनेस चल रहे हैं, बीजेपी वालों के दबाव में फैक्ट्रियां चल रही है और बीजेपी वालों से मिले हुए हैं। हमारी पार्टी, आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? आप समझदार है, जनता सब समझदार है, इतना भी समझ जाएगी, आपको पता है। और हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी किसी की जो है समीकरण बिगाड़ने पे काम नहीं करती, हमारी पार्टी अपना समीकरण पे काम करती है। हमारी बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है मुस्लिम प्लस दलित समीकरण पे, और अब बीजेपी से जो लोग परेशान है, चाहे वो किसी भी समाज के हो, जिसने बीजेपी को वोट दिया वो भी परेशान है, वे लोग हमारे साथ है। अच्छा सानेजर भाई, आजाद समाज पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, मुस्लिम समाज के उम्मीदवार हैं और चंद्रशेखर आजाद जी भी यहाँ पर जनसंपर्क करके गए। उन्होंने कहा कि दलित मुस्लिम समीकरण उनके पक्ष में मीरापुर विधानसभा पर ऐसे बनेगा जैसे नगीना लोकसभा पर बनाए। हाँ, देखो नगीना की कहानी कुछ और थी, वो आरक्षित सीट थी। हमारी जो मीरापुर विधानसभा है इसका पहले से ही इतिहास रहा है, अगर इस पे कोई मुस्लिम कैंडिडेट जीतता है तो बहुजन समाज पार्टी का जीतता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से आ जाए, कोई नहीं जीतता। अब हमारे चंद्रशेखर जी बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छे नेता मानते हैं, लेकिन अगर समाज के लिए कुछ करना है तो जो पहले से बहुजन समाज पार्टी एक दरख्त है, अगर कुछ करना था तो वो बहन जी के साथ में लग के करते, लेकिन अगर कोई स्वार्थ है और कोई लालच है तो हो सकता है कि उन्होंने अलग, अगर कुछ करना था तो साथ मिलकर कर लेते। देखो 1 और 1 11 होते हैं, जब मिलकर चलते हैं, मान लिया बहन जी के साथ में चंद्रशेखर जी मिल जा, कोई और मिल जा, तो समाज का जल्दी विकास हो जाएगा। और जितनी भी पार्टी है, ये 2 पार्टी है पक्ष और विपक्ष, ये आपस में वो उसके खिलाफ झगड़े करवाओगी, वो उसके खिलाफ, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, लेकिन है दोनों एक ही, दोनों की मानसिकता झगड़े कराने की, झगड़े करा के सत्ता पे रहने की, सत्ता पे काबिज रहने की कोशिश करे। लेकिन इस बार सब लोग समझ चुके हैं झगड़े से किसी का घर नहीं बचता, इसलिए बहुजन समाज पार्टी को सब आदमी साथ रहेंगे। रही जो है कैंडिडेट की बात, वो मेरा मुस्लिम समाज का है, मान्यवर काशीराम जी ने पहले ही बता दिया था कि नीले झंडे वाले तो बहुत आवेगे, लेकिन जिसका हत्थी निशान होगा वो हमारा अपनी पहचान होगी। और इस तरह से वोट प्रतिशत घट रहा है, ऐसे तो हाथी पर भी खतरा आ गया। एक मिनट, और इससे पहले 107 पार्टी नीले झंडे की आ चुकी, लेकिन यो 108वीं है, जहां वे 107 गई वहीं 108वीं जाएगी। रही वोट परसेंटेज की, जो आपकी बात मैं बोल पड़ा था, 40 पार्टियों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया, बीजेपी को तो नहीं हरा पाए,
उन 40 में जो है इसे डिवाइड कर दो जो उन्हें वोट मिला। अगर बहन जी का सबसे ऊपर वोट हुआ तो मान लियो हमारा जो हमारी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का जो वोट परसेंटेज है इन पार्टियों में डिवाइड करके देखो, हमारा वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा है, आप देख लीजिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में नतीजे आए तो कह रहे हैं कि हम ही भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने में सक्षम है। जो समाजवादी पार्टी है वो झगड़ा करा के जो है सामने आती है, मीडिया उसको दिखाती है, मीडिया बहन जी को इसलिए दिखाती कि अगर बहन जी को दिखाया और लोग इनकी तरफ जुड़ गए तो उनके जो है जड़े उखड़ जाएगी। समाजवादी पार्टी को जितना भी दिखाओगे मुसलमान इतना चिपक जाता था, समाजवादी पार्टी को मुस्लिम के अलावा किसी आदमी ने वोट नहीं दे और ना देते, क्योंकि विचारधारा लड़ाई झगड़ा कराने की, अगर लड़ाई झगड़ा कराने वाले को देने तो फिर तो डायरेक्ट बीजेपी को दे लो। तो आपका मानना है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी को केवल मुस्लिम मतदाता वोट करता है? मुस्लिम मतदाता 2022 तक करता था, लेकिन ये 2027 का टेस्ट हो रहा है, आने वाले 2027 में बहन जी की सरकार बनने जा रही है, किसी से रुकने वाली नहीं है। मुकाबला किससे मान रहे हो मीरापुर में? हमारा मुकाबला जो सत्ता में फिलहाल सरकार चला रहे हैं, हमारा मुकाबला है उनसे, क्योंकि वे सारे ताकतें लगा चुके हैं और सारी ताकत लगा रहे हैं। हम मुकाबला मान रहे उनसे, लेकिन हमारा जो समीकरण है उस समीकरण पे अगर हमारे वोटर हम जैसे अब जुड़े हुए ऐसे जुड़ रहे तो मुकाबला धूल में भी नहीं रहने के। तो मीरापुर विधानसभा के मतदाताओं को कोई संदेश देना चाहिए? मीरापुर के जो सम्मानित वोटर है, जितने भी मीरापुर क्षेत्रवासियों के जो है हमारे वोटर है, उन सबको मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा कि बंटवारा करने के लिए मुस्लिमों में भी पतंग उड़ा रहे कुछ लोग, आके मुस्लिमों में भी पतंग उड़ा रहे कुछ लोग, केतली से चाय पिला रहे, लेकिन ये बिल्कुल बंटवारे के लिए बीजेपी की साजिश है, इनसे बचकर रहना है। जो मुस्लिम प्लस दलित बहन जी के साथ है उसी पे प्लस करना है। आपने कह दिया बंटवारा बीजेपी की साजिश है, बीजेपी वाले तो कह रहे कि बटोगे तो कटोगे। बीजेपी वाले ये जो कहते हैं उसे करते नहीं। बीजेपी वालों ने रोजगार की बात करी थी, नहीं करा। बीजेपी वालों ने जो है ग्रीन सिटी बनाने की बात करी थी, नहीं बनाई। बीजेपी वालों ने जो है ये यहाँ पे वो बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, स्कूलों के शुद्धिकरण कराने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए बात करी थी, नहीं करी। तो जो वे कह रहे ना वो कह रहे किसी और के लिए, उसमें जो है वो कोडवर्ड है बटोगे तो कटोगे, वो किसी और के लिए है। यदि आपका मानना है कि वो आपके लिए कह रहे हैं, बस वो मुस्लिमों को कह रहे हैं कि तुम समाजवादी पे रहो, अगर बटोगे तो हम तुम्हें कटेंगे। तो मीरापुर विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सानेजर जी हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमने मीरापुर विधानसभा चुनाव को लेकर बात की। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलके वी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देखा तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। जय हिंद।